बिरमो विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह ने भारतीय सुदर्शन समाज के साथ फुसरो में एक बैठक की और समाज के प्रति बात की। अपने पिता का काम आशीर्वाद हमारे बिरमो की जनता को मिले। समाज का मुख्य उद्देश्य अधिकार वंचित समाज को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। अनुप सिंह का कहना है कि इस बार राजेंद्र सिंह विचारधारा की लड़ाई बिरमो का निवासी बसपा नेता लालचंद नेतो के साथ है। मौका पर नगर परिषद अध्यक्ष चुन्नू सिंह, सुदर्शन समाज के राष्ट्र उपाध्यक्ष पुन्ना कुमार, पंकज कुमार, आदर्श शंकर राम आदि उपस्थित रहे। ओम प्रकाश, तहसील रिपोर्टर, बिरमो, एचबीएन न्यूज। चुनाव में सीधी टक्कर कांग्रेस की किससे? देखिए, ऐसे तो मैं समझता हूँ कि राजेंद्र बाबू के विचार की टक्कर किसी से नहीं हो सकती है, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ती है और राजेंद्र बाबू एक अलग छवि थे। वो रहते तो शायद पार्टी नहीं देखा जाता था, लोग हर समाज हर पार्टी के लोग उनको वोट देते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बाटुल जी को जनता ने पिछले बार नकारा था, 25,000 से आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ वो पॉकेट सेक्टर्स हैं जहाँ से सूचना है, वो लालचंद मातो जी इस बार सीधी टक्कर में रहेंगे। और क्योंकि बाटुल जी से लोगों का विश्वास उठ चुका है, तो मैं समझता हूँ कि लालचंद जी क्योंकि बेरमो में भी रहते हैं, तो सीधी टक्कर मेरी लालचंद मातो जी से होगी, क्योंकि लोगों पर रुझान जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ज्यादा उनके तरफ दिख रहा है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।